हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑटोकैड 3D। ऑटोकैड 3D में हम बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। हम इंट्रोडक्शंस देन सॉलिड प्रिमिटिव्स, जो बेसिक 3D शेप्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं, हम उनका कैसे यूज़ करते हैं और हम उसको आगे कैसे फर्दर प्रोसीड करते हैं कॉम्प्लेक्स 3D मॉडल्स क्रिएट करने में, किसी प्लान को 3D मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए या किसी मैकेनिकल पार्ट का मॉडल क्रिएट करने के लिए। सो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। थ्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने ऑटोकैड 2D की कुछ कमांड्स हैं जो हमारी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं 3D मॉडलिंग में। जैसे हमने दो कमांड्स की हैं, जॉइन कमांड जो लाइंस को पॉली लाइंस में कन्वर्ट करने के काम आती है, दूसरी हमने कमांड देखी है बाउंड्री कमांड। सो एक बार मैं आपको वो दोनों कमांड्स रिवाइज करा देता हूँ। उन दोनों कमांड्स में क्या होता है, जैसे सपोज हमारे पास हमने दो लाइंस को मिलाकर या चार लाइंस को मिलाकर कोई एक क्लोज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। हम जॉइन कमांड लगाते हैं उन चारों को, क्लोज ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर करते हैं। जॉइन कमांड क्या करता है, लाइंस उन चारों को मिलाकर एक क्लोज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। सेकंड हमने देखा बाउंड्री कमांड। बाउंड्री कमांड के लिए आपको मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जिसमें आपको जॉइन और दूसरा कमांड जो हम बात कर रहे हैं बाउंड्री, उन दोनों का डिफरेंस आपको मिल जाएगा कि क्या यूज़ है, क्यों यूज़ करेंगे। सो इसके लिए मैंने एक आपके सामने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। इस ऑब्जेक्ट में मुझे क्या करना है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। मुझे करना यह है, मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए दो पॉली लाइंस की रिक्वायरमेंट है। दो पॉली लाइंस की रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिकली मुझे एक ये ऑब्जेक्ट जो आप अभी आपको एक पॉली लाइन नज़र आ रही है, मुझे एक पॉली लाइन ये चाहिए। सेकंड मेरी रिक्वायरमेंट है ये दोनों लाइंस, ये आर्क, और मैं चाहता हूँ ये लेफ्ट हैंड साइड से भी ये क्लोज आ जाए, ये भी एक दूसरी पॉली लाइन मुझे चाहिए। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए अगर मैं यहाँ पर जॉइन अप्लाई करता हूँ, मैंने तीनों दोनों लाइन और एक आर्क, इन तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, बट अगर मैं ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ तो ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है जो पहले से मैं पॉली लाइन में कन्वर्ट कर चुका हूँ। अगर मैं यहाँ एंटर करता हूँ तो ये क्या करता है, इन दोनों लाइन और कर्व को मिलाकर एक पॉली लाइन क्रिएट कर देता है, बट क्लोज नहीं होता। अब हम इसको क्लोज करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पर एक अलग से लाइन बनाएं फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड देन आफ्टर उसको ज्वाइन करें दिस एंड दिस एंटर, ये कंप्लीट एक पॉली लाइन हुआ। मैं इसको अंडू करता हूँ, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप। अभी मेरे यहाँ से लाइन भी मैंने अंडू कर दिया है, जो मैंने लाइन को अभी ड्रॉ किया था यहाँ पर। अभी मैं यहाँ बाउंड्री कमांड लगाता हूँ, BO एंटर, ये पिक पॉइंट का ऑप्शन होता है। मुझे जो बाउंड्री क्रिएट करनी है उस क्लोज बाउंड्री के अंदर आकर मैं एक लेफ्ट क्लिक करता हूँ। सो उस आप देखें वही एरिया हाईलाइट हो रहा है जो मुझे पॉली लाइन में कन्वर्ट करना है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ ये एक पॉली लाइन क्रिएट हो जाती है। सो डिफरेंस क्या है दोस्तों, डिफरेंस ये है, जैसे हमने यहाँ लाइन पहले ड्रॉ किया और जॉइन कमांड से इसको पॉली लाइन में कन्वर्ट किया, बाउंड्री ऑब्जेक्ट को ओवरलैप कर देता है। जैसे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को, इस पॉली लाइन को मूव करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पर, आप देखेंगे जो इससे बेस पर, जो इससे पहले मेरा एक ऑब्जेक्ट था दोनों लाइंस और आर्क का, वो वहाँ ऑलरेडी है। तो बाउंड्री कमांड ने क्या किया है, उसको ओवरलैप कर दिया है उसी के ऊपर। सो ये डिफरेंस आपको स्टार्ट करने से पहले 3D मुझे बताना जरूरी था, क्योंकि बाउंड्री और जॉइन कमांड का हम बहुत यूज करने वाले हैं ऑटोकैड 3D के अंदर। ओके, सो ये एक डिफरेंस। सेकंड हम बात करते हैं वर्क स्पेस को हम 2D से 3D मॉडलिंग पर कैसे स्विच करते हैं। जैसे अगर हम ऊपर रिबन टूल बार्स पर नजर डालते हैं, वो रिबन टूल बार्स हमारे 2D कमांड्स के अकॉर्डिंग ही हैं। लाइक हम देखते हैं लाइन, पॉली लाइन, सर्किल, वो सब 2D के लिए जो हमने मेजरली यूज किया है 2D ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। सो हमारे पास, हम नीचे देखते हैं एक गियर का आइकन बना होता है जहाँ से हम वर्क स्पेस को स्विच करते हैं। सो दोस्तों, मैंने वर्क स्पेस सेटिंग्स पर क्लिक किया, वहाँ तीन वर्क स्पेस मुझे नज़र आ रहे हैं। पहला ड्राफ्टिंग एंड अनोटेशन, जो ऑलरेडी मेरा सेट है, जो डिफॉल्ट होता है जब हम ऑटोकैड को इंस्टॉल करते हैं।
सेकंड वर्क स्पेस का नाम है 3D बेसिक्स। अगर मैं 3D बेसिक्स पर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो वर्किंग एरिया है, जो ब्लैक स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। जो ऊपर रिबन टूल बार से वो चेंज हो जाता है, वहाँ मुझे मेजर 3D की कुछ बेसिक्स कमांड्स इंटरफेस पर सेट हो गई हैं। कुछ 2D कमांड्स भी हैं, क्योंकि 2D कमांड्स के बिना हम 3D मॉडल क्रिएट नहीं कर सकते, जो कॉम्प्लेक्स 3D मॉडल्स हमें क्रिएट करने हैं। क्योंकि डिफरेंस ये है, जैसे हमें ऑटोकैड 2D के लिए कुछ शेप्स अवेलेबल होती हैं, लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, लाइक हमें पहले से पता है सर्किल हम कमांड में जा रहे हैं तो एक सर्किल क्रिएट होगा, हम डायमेंशंस देते हैं। सेम उसी तरह 3D में हमारे पास कुछ सॉलिड प्रिमिटिव्स, कुछ सॉलिड शेप्स हैं जो हम क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टली। इसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है हम पहले एक 2D स्केच बनाएं, उसके बाद उसको 3D मॉडल में कन्वर्ट करें। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कुछ शेप्स अवेलेबल हैं। सो दोस्तों, सॉलिड इनको बोलते हैं हम, सॉलिड प्रिमिटिव्स, इनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। वापस आते हैं वर्क स्पेस सेटिंग्स पर। अगर हम मूव ऑन करते हैं थर्ड वर्क स्पेस, जिसका नाम है 3D मॉडलिंग। 3D मॉडलिंग पर हमने क्लिक किया तो हमारा वर्क स्पेस कंप्लीट 3D मॉडलिंग की कुछ एडवांस कमांड्स के साथ सेट हो गया है, जिसमें हम सॉलिड्स क्रिएट कर सकते हैं, हम सरफेस वर्क कर सकते हैं, हम मैश का वर्क कर सकते हैं। जब हमारा वर्क आगे जाएगा, हम एक विजुअलाइज करने के लिए उसके रेंडर्स निकालने होंगे, कैमरा सेट करना होगा, मटेरियल असाइन करना होगा, उन सब के लिए हम यहाँ से टैब्स को स्विच कर सकते हैं अगर हम रिबन टूल बार्स यूज़ करना चाहते हैं। सो इसके साथ साथ हम एक और चीज़ देख रहे हैं। हम जो मेजर यूज़ देखेंगे हम, वो कमांड लाइन का ही देखेंगे कि हम कमांड्स एंटर करेंगे कीबोर्ड की हेल्प से और हम कमांड लाइन्स के अकॉर्डिंग ही स्विच करेंगे। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको ड्राफ्टिंग एनोटेशन से 3D मॉडलिंग पर ही आना है। आप किसी भी वर्क स्पेस में होंगे तो कीबोर्ड से जब आप कमांड एंटर करते हैं वो एज इट इज़ अप्लाई होंगी। सो चलिए, 3D के कुछ बेसिक्स क्या है, कैसे हम स्टार्ट करेंगे, क्या हेल्प होगी, हमारी कुछ कमांड्स जो बहुत यूज़फुल हैं। जैसे 3D हम जानते हैं, लाइक 3D में अगर हम आ रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट को कंप्लीट 360 डिग्री पर रोटेट करके देख सकते हैं। उसके लिए जैसे हम स्क्रॉल को प्रेस करते हैं, ये पैन कमांड होता है, इसकी हेल्प से हम इसको ड्रैग कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। प्रेस करके रखते हैं नीचे या प्रेस करके रखते हैं ऊपर। यहाँ साइड में एक नेविगेशन का टैब बना होता है, वहाँ पर भी ये एक हैंड बनाया है। आप देखें, अगर कर्सर ले जाए उस पर पैन लिखा आता है, आप उस पर माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे, आप ड्रैग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। सपोज आपके पास माउस अवेलेबल नहीं है, आपको कुछ अर्जेंट वर्क करना है तो आप माउस के टच पैड यूज़ करना चाहते हैं, तो उस काम में उसके लिए ये नेविगेशन टैब हमारी बहुत हेल्प करता है। सो पैन कमांड, आप किसी भी वक्त एस्केप या एंटर की प्रेस कर सकते हैं कमांड से बाहर आने के लिए। सेकेंड, अभी भी हम देखते हैं जो हमारा प्लेन है, आपको नज़र आ रहा है नीचे एक UCS आइकन, जिसका बोलते हैं यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम, नहीं सॉरी, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूज़र के लिए जो कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया है, दैट इज़ UCS आइकन, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी हम जितना भी वर्क कर रहे हैं वो हमें यहाँ से नज़र आ रहा है, एक स्टीयरिंग व्हील, एक आपको क्यूब बना है जिस पे लिखा है टॉप, मतलब हम जिस व्यू को अभी देख रहे हैं वो हमारा टॉप व्यू है। हम ऊपर अगर नज़र डालते हैं, यहाँ एक व्यू का हमें पैनल मिलेगा जो जिसमें रिबन्स में आपको ऊपर विजुअल स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं, उससे नीचे हमें दिया गया है व्यूज़, 3D नेविगेशन। 3D नेविगेशन को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको चेंज करता हूँ फ्रंट पर, तो देखिए फ्रंट से मुझे केवल लाइन नज़र आ रही है, क्योंकि उसमें वो एक ऑब्जेक्ट 3D में है, उसके अंदर कोई हाइट या कोई थिकनेस अवेलेबल नहीं है। मैं वापस से टॉप व्यू पर आता हूँ, आपने टॉप व्यू पर क्लिक किया, आप चेंज होकर वहीं आ गए। सेकंड जो नेविगेशन है, आप अगर ने कर्सर को अगर यहाँ ले जाते हैं, आप देखेंगे यहाँ आपको व्यू कंट्रोल्स गिवन है, आप यहाँ से भी क्लिक करते हैं आपको सभी व्यूज़ अवेलेबल हैं। आप जिस व्यू पर भी क्लिक करेंगे आप उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। हमने फ्रंट व्यू को चेंज किया। अगर आप चाहते हैं ये UCS आइकन बार बार स्क्रीन के बीच में आ रहा है, आप इसको सेट करना चाहते हैं लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पर, आप इस पर राइट क्लिक करें, UCS आइकन सेटिंग्स में जाएं और शो UCS आइकन एट ओरिजिन पर क्लिक कर दें, तो वो लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर पर फिक्स हो जाता है। सपोज
हमने एक व्यू, कोई भी एक प्लेनर व्यू देख रहे हैं, लाइक टॉप देख रहे हैं या फ्रंट देख रहे हैं। टॉप में हमें क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है, क्योंकि जो भी हमने वर्क किया है अभी 2D में किया है। 2D में वर्क का मतलब हमें एक्स और वाई केवल दो ही डायमेंशन नजर आएंगी। यहाँ हम नेविगेशन टैब पर वापस जाते हैं, हमें एक फोर्थ नंबर पर एक कमांड अवेलेबल है, ऑर्बिट। अगर आप ऑर्बिट पे क्लिक करते हैं, आप देखें, आप अपने माउस का लेफ्ट क्लिक आप प्रेस करते हैं तो आप इसको 3D में चेंज करके ऐसे देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट आपके 2D में ही है, लेकिन आपने प्लेन की ओरिएंटेशन को चेंज किया है, जिससे आपको एक व्यू मिला है। हम इस व्यू की जगह आइसोमेट्रिक व्यू भी स्विच कर सकते हैं। कैसे? आपने नेविगेशन, 3D नेविगेशन में आप जाते हैं, यहाँ से साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक पे आप क्लिक करते हैं, ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू आ गया है। जैसे दोस्तों हमने पहले बोला है, हमने अभी जो वर्क किया है वो केवल एक्स वाई प्लेन पर किया है। अभी तीसरी एक एक्सिस इंट्रोड्यूस हो गई है, दैट इज जेड एक्सिस। सो अगर हम अपने क्रॉस हेयर को देखते हैं, रेड कलर से हमें नजर आएगा रेड एक्स एक्सिस, ग्रीन कलर से हमें नजर आ रहा है वाई एक्सिस, एंड ब्लू कलर से हमें नजर आ रहा है जेड एक्सिस। वापस से हम ऑर्बिट कमांड यूज करना चाहते हैं, आप किसी भी एंगल पर उसको रोटेट करके देख सकते हैं। आप एस्केप से उससे कमांड से बाहर आ सकते हैं, या हम नेविगेशन से वापस टॉप व्यू पर जा सकते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया, देन डिलीट किया। अब हम फिर से स्टार्ट करेंगे एक 3D ऑब्जेक्ट के साथ, जिससे आपको विजुअल स्टाइल्स क्या होते हैं ये क्लियर हो जाएगा। देन 3D व्यूज से हम क्या हेल्प होता है हमारा, ये हमारा क्लियर हो जाएगा टॉपिक, कि हमें इस व्यू टैब का क्या एप्लीकेशन है, हम क्यों यूज करेंगे। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं 3D व्यू से, मैंने स्विच किया आइसोमेट्रिक में, और यहाँ से एक बॉक्स कमांड पर क्लिक किया। मैंने बोला दिस इज माय फर्स्ट कॉर्नर, दिस इज सेकंड कॉर्नर, एंड दिस इज थर्ड कॉर्नर। अभी आपको नजर आ रहा है हमने तीन कॉर्नर्स स्पेसिफाई किए हैं। पहले दो कॉर्नर ने एक्स वाई प्लेन पर उसका बेस बनाया, देन तीसरे जो हमने कॉर्नर को स्पेसिफाई किया है उससे उसको एक हाइट मिली है। अब अगर हम विजुअल स्टाइल से 2D वायर फ्रेम को चेंज करके कंसेप्चुअल पर क्लिक करते हैं, तो आपको एक कंसेप्ट नजर आएगा। कंसेप्ट मतलब आपको एक्चुअल 3D में नजर आएगा कि आपने जो क्रिएट किया है सॉलिड मॉडल, वो आपको कैसा नजर आएगा। आप ऑर्बिट कमांड यूज कर सकते हैं इसको रोटेट करने के लिए, या हम इसका शॉर्टकट्स यूज करना चाहते हैं, शिफ्ट प्रेस करिए, स्क्रॉल प्रेस करिए, दोनों सेम टाइम पर आपको प्रेस करके रखना है। आप माउस को ड्रैग कर सकते हैं अप डाउन लेफ्ट राइट, कैसे भी आप कंप्लीट 360 डिग्री उसको रोटेट कर सकते हैं, जिससे आपको उसका लेंथ, उसका विड्थ, उसका हाइट तीनों डायमेंशंस नज़र आ रहे हैं। सो यहाँ से हमें क्लियर होता है जो हमने क्रिएट किया है वो एक 3D ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आप उसको किसी भी एंगल पर रोटेट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको बोलते हैं विजुअल स्टाइल। हम वापस 2D वायर फ्रेम में आ सकते हैं, या यहीं से दोबारा हम कंसेप्चुअल पे जा सकते हैं, जहाँ से हमें एक 3D मॉडल नज़र आता है। सेम और विजुअल स्टाइल्स में कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे अगर हम हिडन पर क्लिक करते हैं, हम अगर सामने से देख रहे हैं, हमें पीछे की एक ये एज, देन ये साइड एज, देन दूसरी ये साइड एज नज़र नहीं आएगी। नाम से हमें समझ आ रहा है हिडन नाम है, तो जो सामने से देखने में हिडन होगी एज, वो हमें एज हिडन ही नजर आएगी। सेम नेक्स्ट स्विच करते हैं हम रियलिस्टिक व्यू पर। रियलिस्टिक व्यू में नाम रियलिस्टिक, रियल मतलब एक्चुअल में, जैसा रियल में हमें मॉडल नजर आना चाहिए वैसा यहाँ नजर आएगा। बट यहाँ किस चीज़ की कमी है? कमी है हमने इस 3D मॉडल को कोई मटेरियल नहीं दिया। अब सपोज हम मटेरियल, मैं इसको एक असाइन करता हूँ, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे मटेरियल असाइन कैसे करना है। अभी हम, मैं आपको डिफरेंस क्लियर करना चाह रहा हूँ विजुअल स्टाइल्स में, जो अलग अलग ऑप्शंस हैं उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं। सो मैंने एक मटेरियल उसको कोई वुडन का असाइन किया है, आपको ये मटेरियल नज़र आ रहा है। सो ये किसमें नज़र आ रहा है आपको? रियलिस्टिक व्यू में। अगर मैं वापस से स्विच करता हूँ कंसेप्चुअल पर, तो मटेरियल असाइन करने के बाद कंसेप्चुअल व्यू पर कोई डिफरेंस नहीं आया। अगर आपको मटेरियल देखना है जो आपने असाइन किया है, तो आपको विजुअल स्टाइल से रियलिस्टिक व्यू पर जाना होगा। रियलिस्टिक विजुअल स्टाइल में ही आपको उसका रियल मटेरियल नज़र आएगा जो आपने असाइन किया उसको।
सो इसके बाद देखते हैं नीचे जो हमें 3D व्यूज गिवन है। अगर हम इसके टॉप व्यू पर क्लिक करते हैं तो टॉप से केवल हमें ये फेस नज़र आएगा, आपको ये टॉप फेस नज़र आ रहा है। अगेन हम चेंज कर सकते हैं उसको साइड व्यू पर, सपोज लेफ्ट व्यू पर हम क्लिक करते हैं, दिस इज़ लेफ्ट व्यू, इस बॉक्स का ये लेफ्ट व्यू है। अगेन हम चेंज करते हैं इसको फ्रंट व्यू पर, ये इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू है। सो जब हम बेसिक्स को क्लियर करने के बाद 3D मॉडल बनाना स्टार्ट करेंगे, उस वक्त हमें और अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि हम इन 3D व्यूज़ को क्यों चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। वापस से मैं आइसोमेट्रिक में चेंज करता हूँ तो आपको आइसोमेट्रिक में उसका एक्स वाई एंड जेड तीनों डायमेंशंस नज़र आते हैं। सो यहाँ हमें दिया है विजुअल स्टाइल्स, यहाँ हमें दिया है 3D व्यूज़, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें दूसरा ऑप्शन यहाँ भी दिया है, हम यहाँ से भी इसको स्विच कर सकते हैं, दिस इज़ टॉप, दिस इज़ आइसोमेट्रिक। देन सेकेंड विजुअल स्टाइल्स के लिए यहाँ क्लिक करते हैं 2D वायर फ्रेम, देन आप यहाँ क्लिक करते हैं रियलिस्टिक। सो यहाँ से भी आप विजुअल स्टाइल्स और व्यूज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करने जाएंगे सॉलिड प्रिमिटिव्स को। सॉलिड प्रिमिटिव्स क्या होते हैं, क्यों हम यूज़ करेंगे, क्या एप्लीकेशंस हैं। मैं अभी इसको सेलेक्ट करता हूँ, सीधे मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी यहाँ एक बॉक्स जहाँ लिखा है इसके नीचे एक एरो है, अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ आपको वहाँ कंप्लीट सॉलिड प्रिमिटिव्स के नाम मेंशन दिए गए हैं। जैसे आपको बॉक्स यूज़ करना है, सपोज आपको क्यूब या क्यूबॉइड क्रिएट करना है, आपको यूज़ करना होगा बॉक्स, सिलेंडर, अगर आपको एक सिलेंडर क्रिएट करना है। सो हमें बेसिक 2D स्केच पर फोकस करना होगा। जैसे अगर हमें बॉक्स बनाना है, बॉक्स के लिए दो ऑप्शंस जैसे मैंने बताया, आप क्यूब बना सकते हैं, आप क्यूबॉइड बना सकते हैं। सो अगर हम क्यूब की बात करते हैं, क्यूब का बेस कैसा होगा, स्क्वायर, स्क्वायर की जो भी एज लेंथ होगी सेम एज लेंथ की हाइट हम उसको असाइन करेंगे तो हमारा क्यूब क्रिएट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सॉलिड प्रिमिटिव्स को। मैंने पहले कमांड लगाया है बॉक्स एंटर, मैंने बोला फर्स्ट कॉर्नर, हम नीचे कमांड बॉक्स पर ध्यान देते हैं। सो नीचे नज़र आ रहा है मुझे क्यूब, क्यूब का पहला लेटर सी हाईलाइट हो रहा है ब्लू कलर के साथ, यहाँ आप देख सकते हैं दिस वन। सो इसको मैंने सी, जैसे ही मैं एंटर करूँगा वो आपसे पूछेगा स्पेसिफाई लेंथ, जैसे ही मैंने लेंथ के लिए वैल्यू बोला 50 एंटर, उसने क्या किया है, उस बॉक्स को 50 लेंथ, 50 विड्थ एंड 50 हाइट मेंशन कर दिया है। क्योंकि हमने सेलेक्ट किया है क्यूब को, क्यूब की तीनों डायमेंशंस सेम होती हैं, तो 50 एंटर करते ही हमारा एक क्यूब क्रिएट हो गया। देन आफ्टर अगर हम कोई क्यूबॉइड बनाना चाहते हैं जिसमें कोई भी दो डायमेंशन सेम हो सकती हैं, तीनों डायमेंशन डिफरेंट भी हो सकती हैं, सो उसके लिए अगेन हम एंटर करते हैं बॉक्स एंटर, मैंने बोला फर्स्ट कॉर्नर इज दिस, देन मैंने किया एल एंटर, अभी वो पूछ रहा है आपसे कमांड लाइन के अंदर स्पेसिफाई लेंथ, मैंने बोला 100, देन आफ्टर वो पूछ रहा है आपसे विड्थ, मैंने बोला 50, देन आपने से वो पूछ रहा है हाइट, मैंने बोला 30 एंटर। आप जब भी कोई वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं, हमने 2D में भी यूज़ किया, आपको पता है वैल्यू को फीड करने के लिए हमें एंटर की प्रेस करनी होती है। सो 100 लेंथ, 50 विड्थ एंड 30 हाइट, इसके साथ हमारा एक क्यूब या क्यूबॉइड रेडी हो गया है। सेम वैसे ही हमने स्क्रॉल प्रेस किया, साइड में ड्रैग किया, अब सेकेंड हमारे पास सॉलिड प्रिमिटिव्स आता है सिलेंडर। सपोज सिलेंडर क्रिएट करना है, हमने कमांड अप्लाई किया CYL एंटर, सिलेंडर का बेस कैसा होता है, सर्कुलर, सर्किल कैसे क्रिएट कर सकते हो आप, सेंटर पॉइंट और रेडियस, रेडियस मैंने बोला सपोज 25 एंटर, अभी वो आपसे पूछेगा हाइट, हाइट सपोज आपको उसका रखना है 150 एंटर, आपने एक सिलेंडर क्रिएट कर दिया है जिसका बेस रेडियस 25 है और टोटल हाइट 150 है। सेम इसी तरह नेक्स्ट सॉलिड प्रिमिटिव्स पर हम आते हैं जिसका नाम है कोन, हमने किया कोन एंटर, सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई किया, रेडियस अगेन मैंने बोला 25, टोटल हाइट सपोज इस बार मैंने बोला 100 एंटर, मेरा एक कोन क्रिएट हो गया है। मैं स्क्रॉल प्रेस कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, अभी नेक्स्ट सॉलिड प्रिमिटिव्स पर आते हैं जिसका नाम है स्फेयर। स्फेयर को क्रिएट करने के लिए दोस्तों हमारे पास शॉर्टकट है SPH एंटर, हमने सेंटर पॉइंट्स बताना है, मैंने एक सेंटर पॉइंट उसको स्पेसिफाई किया माउस के लेफ्ट क्लिक के साथ,
देन आफ्टर वो आपसे पूछ रहा है रेडियस, रेडियस सपोज मुझे देना है 50, मैंने बोला 50 एंटर, सो उसका सेंटर पॉइंट और रेडियस मैंने स्पेसिफाई किया, हमारा एक स्फेयर क्रिएट हो गया है। स्फेयर क्रिएट करने के बाद हम मूव ऑन होते हैं वेज पर। वेज को आप दूसरे वे में बोल सकते हैं, सपोज आप बॉक्स क्यूब या क्यूबॉइड को एक डायगोनल के अलोंग कट करते हैं तो आपके पास वेज आ जाता है। जैसे हम वेज को स्टार्ट करने के लिए शॉर्टकट हमारे पास है WED एंटर, उसने पूछा फर्स्ट कॉर्नर, दिस इज फर्स्ट कॉर्नर, देन वहाँ दो ऑप्शंस आपको अगेन नज़र आ रहे हैं, क्यूब और लेंथ। अगर मैं क्यूब का ऑप्शन चूज करता हूँ सी एंटर, वो आपसे लेंथ पूछ रहा है, मैंने बोला 100 एंटर, सो 100 लेंथ एक्स के अलोंग, 100 विड्थ वाई के अलोंग और 100 हाइट जेड के अलोंग, तीनों डायमेंशंस 100 हो गई हैं क्योंकि आपने ऑप्शन क्या चूज किया था, क्यूब का ऑप्शन चूज किया था। देन आफ्टर हम इसको मैं लेंथ का ऑप्शन चूज करते हैं तो लेंथ विड्थ और हाइट हम डिफरेंट डिफरेंट भी प्लेस कर सकते हैं। कैसे, फिर से देखते हैं, WED एंटर, हमने बोला फर्स्ट कॉर्नर इज दिस, देन हमने किया L एंटर, लेंथ इज 100, देन उसने पूछा विड्थ दैट इज 50, देन वो पूछ रहा है हाइट, अगेन दैट इज 50 एंटर। सो यहाँ हमने अगेन वेज एक क्रिएट किया है जिसकी तीनों डायमेंशन सेम नहीं है, बस विड्थ और हाइट को हमने सेम रखा है, लेंथ हमने डिफरेंट रखा है। आप तीनों डायमेंशंस अलग भी रख सकते हैं, तीनों डायमेंशंस अगर सेम रखना है तो फिर हम क्यूब का ऑप्शन यूज करेंगे क्योंकि उसमें हमें वैल्यू को एक ही बार स्पेसिफाई करना होगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं सॉलिड प्रिमिटिव्स में, और आगे हमारे पास क्या अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल है पिरामिड। पिरामिड क्रिएट करने के लिए PYR एंटर आपने किया, आपने सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई किया, आपसे वो बेस रेडियस पूछ रहा है, सपोज आपने बोला बेस रेडियस इज 100 एंटर, देन आपसे वो हाइट पूछ रहा है, आप क्लिक भी कर सकते हैं कहीं पर या आप अगेन हाइट की वैल्यू 250 एंटर, आपने एक पैरामिड क्रिएट कर दिया है। पैरामिड के बाद हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सॉलिड प्रिमिटिव्स पर, दैट इज टोरस, TOR एंटर, मैंने बोला सेंटर पॉइंट, अभी आपसे वो एक रेडियस पूछ रहा है, ये रेडियस दोस्तों एक बेस सर्किल की रेडियस है, बेस सर्किल की रेडियस सपोज मैंने बोला दैट इज 200, अब मैंने उसको बेस सर्किल क्यों बोला है, अगर आप माउस को थोड़ा पीछे हटाएंगे तो जो हमने 200 रेडियस का एक सर्किल क्रिएट किया है, उस 200 रेडियस के सर्किल से ये इस ट्यूब की या इस सिलेंडर ब्लॉक जो ये रोटेट आपने कंप्लीट 360 पर शेप है वहाँ उस पैरामीटर से, वहाँ से ये इसकी ट्यूब की रेडियस ले रहा है, दिस इज नॉन एज ट्यूब रेडियस। सपोज मैंने बोला 10 एंटर, तो ये 10 की जो रेडियस उसने ली है वो बेस सर्किल से ली है, जो बेस सर्किल की रेडियस हमने 200 स्पेसिफाई किया था। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक टोरस क्रिएट कर सकते हैं। सो ये सॉलिड प्रिमिटिव्स की हम बात करते हैं, हमने बॉक्स, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, पिरामिड, वेज एंड टोरस हमने ये देखा दोस्तों। सो हमें पहले से ही पता होता है हमारे पास फाइनल मॉडल कैसा आएगा, हम केवल उसको स्टार्टिंग पॉइंट और डायमेंशंस उसको बताते हैं, हमारे पास एक 3D मॉडल क्रिएट होकर आ जाता है। सो ये था कुछ इंटरफेस के बारे में, आप इसको सिलेक्ट करके वापस से डिलीट कर सकते हैं या आप किसी भी वक्त अंडू कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे की कुछ वीडियोस में बात करने जाएंगे कुछ सॉलिड प्रिमिटिव्स के बाद की कमांड्स के बारे में। जैसे सॉलिड प्रिमिटिव्स की साइड में हम कुछ कमांड्स देखते हैं, हमारे पास चार कमांड्स लिखी हैं, एक्सट्रूड, लॉफ्ट, रिवॉल्व और स्वीप। इन कमांड्स को हम बोलते हैं फीचर कमांड्स। फीचर कमांड्स क्या होती हैं दोस्तों, फीचर कमांड्स होती हैं जिन कमांड की हेल्प से हम 2D स्केचेस को 3D मॉडल में कन्वर्ट करते हैं, उनको बोलते हैं हम फीचर कमांड्स। तो ये चारों कमांड्स हम आने वाली जो वीडियोस हैं मेरी 3D मॉडल्स के ऊपर, हम आगे उनको देखेंगे कि किस तरह हम ये इन कमांड्स की एप्लीकेशंस यूज़ करेंगे, और उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी 3D की कमांड्स हैं जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे आगे प्रोजेक्ट भी करेंगे। सो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है आप प्लीज़ लाइक करें, अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब
आपको जितना बेनिफिट मिल पा रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ उससे ज़्यादा आपको आगे आने वाली वीडियोस में और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा और आप एक हैंड ऑन एक्सपीरियंस ले पाएंगे कि किस तरह आप 3D मॉडल्स को क्रिएट कर सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आप आज के सेशन देखने के लिए।